फ्रेंड्स जी, क्या हाल हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 5 मरले घर का जो है ना, मतलब कंप्लीट रिव्यू दे रहा हूँ। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये है डिज़ाइन बना हुआ है, देख लें, इसी टाइप का। और इसके अलावा ऊपर इसके टैंकी बनी हुई है, टैंकी काफ़ी खुली सी टैंकी है। और डिज़ाइन उसका विज़िट कर लें, आप सामने देख लें, विज़िट कर लें, ये डिज़ाइन है इसका। तो इसकी मतलब डबल जो है ना स्लैब है, एक नीचे है एक ऊपर है, डबल स्लैब है। और इसकी पैमाइश भी डबल होती है टैंकी की। तो नीचे से तकरीबन 3 फुट उठा के, जो पिलर नीचे है वो 3 फुट उठा के उसके ऊपर स्लैब डाल दिया, फिर उसके ऊपर टैंकी का जो मतलब नक्शा वगैरह तैयार करके उसके ऊपर ये डिज़ाइन बना दिया। ये देखें, वो सामने डिज़ाइन बना हुआ है, गोले बने हुए हैं। तो ये मतलब एंड वाली मंजिल पर है, मतलब तीसरी मंजिल के जो है ना ऊपर वॉशरूम के ऊपर ये टैंकी है। तो इसकी कंप्लीट मालूमात मैंने आपको दे दी है। और वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद मैं आपको एक और बता दूँ मालूमात, इसके जो नीचे ये देखें, मतलब प्लास्टिक लगा हुआ है छत के नीचे, थोड़ा नज़दीक चला जाता हूँ, ये देख लें। तो वो प्लास्टिक लगा हुआ है इसके नीचे। तो इसका क्या होगा कि मतलब जब प्लास्टर वगैरह करेंगे इसको उतार लेंगे, वो जैसे ऊपर प्लास्टर हुआ है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देख लेना, ये देखें वो प्लास्टिक नज़र आ रहा है आपको, ये वाला प्लास्टिक ये नज़र आ रहा है आपको, वो थोड़ा सा प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक उतार के जो प्लास्टर वगैरह हो जाता है। प्लास्टिक लगाने का ये फ़ायदा होता है कि रेशो वगैरह नीचे नहीं जाती, और बिल्डिंग का जो है ना, मतलब जितनी पायदारी उसकी सीमेंट की होती है वो सारी बरकरार रहती है। तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।